घटना कल की दुखद है और हमारी पूरी संवेदना उस परिवार के प्रति है। आज प्रातः ही मैंने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तलब करके स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में जो तत्व अभी भी इस प्रकार का उपद्रव पैदा कर रहे हैं, सख्ती के साथ उनके साथ निपटने की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने फिर मैं इस बारे में कह सकता हूं कि अपराध के प्रति यह सरकार जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्य करेगी। मैं पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी, लेकिन अपराधी के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य भी करेगी। मथुरा की घटना को लेकर के प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कल स्वयं वहां जा रहे हैं। हमने एक समय सीमा तय की है, समय सीमा के अंदर ये सभी अपराधी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि जवाहर बाग की घटना को भी उनको स्मरण करना चाहिए। प्रदेश में वह स्थिति नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैं देख के ताजुब कर रहा हूं कि एक ही बात को लेकर के बार बार आप एक ही बात को दोहराई जा रहे हैं, प्रदेश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। कम से कम आप जैसे समाजवादी को यह शोभा नहीं देता है। सहारनपुर की घटना के बारे में मुझे बताना है। सहारनपुर में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वहां पर कुछ स्थानीय संगठन चिन्हित हुए हैं और एक राजनीतिक दल के पूर्व विधायक का नाम भी सामने आया है। और सरकार ने इस बात को पहले ही तय किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश के आम नागरिकों के जीने के अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करेगा तो सख्ती के साथ कानून उस पर कार्य करेगा। कोई समझौता इस मामले में नहीं किया जाएगा। अब तो विषय आ गया।